चपाती से ऐसे क्या बनाने वाले हैं जो बच्चों को और बड़ों को बहुत पसंद आएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है फिर से हमारे इस चैनल में। अगर आपके पास एक्स्ट्रा चपाती है और सब्जी भी बची है, अगर आपका मन करे कुछ नया खाना है, जैसे अभी लॉकडाउन है और बच्चों को और बड़ों को कुछ ना कुछ नया खाने का मन करता रहता है, अगर ये सारे प्रॉब्लम्स आपके घर में है तो कोई बात नहीं, हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही सुंदर और एक आसान सा डिश। तो चलिए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स और इसको कैसे बनाते हैं। आप इस डिश के लिए वेज या नॉन वेज सब्जी बना सकते हैं। हम यहाँ पे आज मिक्स सब्जी बना रहे हैं, तो चलिए सबसे पहले तड़का लगा लेते हैं। आप कोई भी कुकिंग पैन में 2 चम्मच ऑयल, थोड़ा सा सरसों और जीरा डालेंगे, फिर उसके बाद आप हाफ अनियन डाल के अच्छी तरह से इसको पका लेंगे। हमने मिक्स्ड वेजिटेबल्स बनाने के लिए यहाँ पे एक शिमला मिर्च और कैबेज इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास और भी वेजिटेबल्स हैं आप वो भी डाल के अच्छे तरह से मिक्स कर लीजिए। दोस्तों, ये डिश वर्किंग पेरेंट्स और वर्क फ्रॉम होम करने वाले पेरेंट्स के लिए बहुत ही यूजफुल और आसान सा डिश है। जैसे आपको पता है बहुत जगह पे लॉकडाउन है और उसके वजह से आप वेजिटेबल्स खरीद नहीं पा रहे हो, तो जो सामान आपके पास घर में है आप उसी को इस डिश में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास आलू है तो भी आप इसमें बॉईल करके डाल सकते हैं। मटर, कॉलीफ्लावर या कैरेट्स आप उनको भी इसमें डाल सकते हैं। थोड़ा सब्जी फ्राई होने के बाद अब हम डालेंगे इसमें 1/2 चम्मच हल्दी और कोरिएंडर पाउडर। जितना आपको तीखा चाहिए उतना आप लाल मिर्च डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1/2 चम्मच लिया है। अगर आप ये बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप उसको कम डालिए, और नमक स्वाद अनुसार डाल के फिर से एक बार आप फ्राई कर लीजिए। लो फ्लेम में इसको पकाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे होममेड टोमेटो सॉस 1 चम्मच। अगर आपके पास बाजार से लाया हुआ कोई भी टोमेटो सॉस है वो भी चलेगा, इसमें आप डाल सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ा कोरिएंडर लीव्स है आप उसको डाल के थोड़ा सा अच्छी तरह से फिर से फ्राई कर लीजिए, और ये सब्जी अभी रेडी है। चलिए अब हम चपाती बनाते हैं। आजकल बहुत सारे लोग ऑर्गेनिक व्हीट फ्लावर या मल्टीग्रेन आटे से चपाती बनाते हैं। इस डिश के लिए आप कोई भी आटे से बनाया हुआ चपाती यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो सूजी का भी चपाती यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए हमने फ्रेश चपाती बनाया है। अगर आपके पास पहले से ही चपाती बनाया हुआ है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, हमने यहाँ पे ऑयल का चपाती बनाया है। आप चाहे तो बिना ऑयल का भी चपाती बना सकते हैं। एक बार चपाती दोनों तरफ से बन जाए तो आप तवा से निकाल के इसको एक प्लेट में लीजिए। अब हम इस पूरी चपाती में 1 चम्मच होममेड पिज्ज़ा सॉस लगाएंगे। इस पिज्ज़ा सॉस का रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप इसको बना के फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद हमने जो मिक्स्ड वेजिटेबल सब्जी बनाया था वो अब हम सेंटर में डालेंगे। आप जब ये डिश बच्चों के लिए बनाएंगे तब इसको ऊपर गार्निश करने के लिए आप चीज़ या पनीर डालिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। हमने थोड़ा यहाँ पे ऑनियन डाला है गार्निश करने के लिए। अब आप इसको फोल्ड कीजिए जैसे हमने किया है चारों तरफ वीडियो में। फिर उसके बाद इसको थोड़ा गर्म कर लेते हैं तवे पे। हमने थोड़ा यहाँ पे बटर लिया है। आप चाहिए तो ऑयल या बिना ऑयल का भी गरम कर सकते हैं। अच्छे से दोनों तरफ गरम कर लीजिए, जो बिल्कुल ऐसे दिखना चाहिए। अभी आप सब लोग सोच रहे होंगे कि हमने अब तक आपको इस डिश का नाम क्यों नहीं बताया, तो चलिए बताते हैं। ये रहा हमारा सिंपल सा और बहुत ही सुंदर सा दिखने वाला वेज लिफाफा। आप इसको कभी भी और कोई भी ओकेजन के लिए बना सकते हैं। इसको चाहे तो आप ब्रेकफास्ट, स्नैक्स, लंच, ब्रंच, डिनर, कभी भी पूरी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें बताइए कमेंट्स में कि आपको ये कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए,
और हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।